अपने जज्बों को जाहिर करने लोग क्या क्या नहीं करते, मगर हैदराबादियों को क्या भी करने की जरूरत नहीं है, बस एक लफ्ज़ काफी है, वो है बैगन। हैदराबादियों के वास्ते बैगन सिर्फ तरकारी नहीं है, बल्कि ऐसा लफ्ज़ है जिससे लोग अपने दिल की बात आसानी से दूसरे तक पहुंचा देते। वो कैसा, देखो हमारे नुमाइंदा अनीस रहमान की ये बैगनी रिपोर्ट। बैगन का साइंसी नाम सोलानम मेलोंगिना है। अंग्रेजी में इसको ब्रिंजाल भी बोलते, एक प्लैनेट भी बोलते। तेलुगु में बैगन को वंकया बोलते। आप सोच रहे होंगे बैगन बैगन बोल के बैगन को पकाए जैसा हम आपका भेजा कहीं को पका रहे। अगर कहीं कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो पूरे वाक्य के बारे में बोले बोले तक कम से कम 5 मिनट लग जाते। ये वाक्य को हैदराबाद में सिर्फ इतना बोल देना काफी है, गाड़ी बैगन में मिल गई, जिससे बहुत ज्यादा लगाव हो जाता, उसका नाम घड़ी घड़ी जबान पे आता रहता। बैगन की मोहब्बत में हैदराबादियां इतना मुब्तला हो गए, बगैर बैगन बोले दोस्तों की मुलाकात अधूरी रह जाती। मैं मतलब सुबह में ही मेरे साथ हुआ कि मैं जब प्रैक्टिस को गया तो सर लेट आ गए थे कि मैं दोस्तों को बोला, अरे बैगन ये क्या, अरे भाई अपन को जल्दी बुला के सर लेट आ गए, गलत है बोल के बोला। तो बैगन क्या है, रेगुलर 10-10 मिनट को यूज़ करते रहते हम लोग। कस्टमर नहीं आया तो मैं बाजू वाले आमिर भाई बोल के, सैयद आमिर बोल के, उनसे बात होती रहती, अरे बैगन कल नहीं आए क्या, रहो तुम कस्टमर नहीं था बोलते हो ना। ऐसा बैगन बैगन बार बार यूज़ होते रहता हमारे पास, ज़्यादातर कारोबार में, दोस्ताने में, दिन में सुबह उठते शाम में उठते बैगन बैगन बैगन, अरे कल क्या था यार, कल बैगन का सालन था, ऐसा। हैदराबादियों की जबान पे बैगन का मजा ऐसा बैठ गया हुआ है, आम लोगां तो छोड़ो, हैदराबाद के एमपी असदुद्दीन अवैसी भी अपनी इंतखाबी तकरीर में बैगन बोले बगैर नहीं रह सके। बैगन को बोलो, घर में नहीं है तो अपन क्या करेंगे पाशा, बैगन को बोलो, माशाल्लाह अपने घर में है आपका, उत्तर प्रदेश का वो क्या चीज, क्या नाम है उसका, हाँ जो भी है क्या है कि नहीं मालूम, सुधरता नहीं उन्हें, उसको भी बोलेंगे बैगन को बोलो, हैदराबाद का छिछोरा हूं मैं। सारी दुनिया में मशहूर हैदराबाद की बिरयानी की शोहरत में भी बैगन का हाथ है। मतलब ये कि बिरयानी के साथ बघारे बैगन रहे तो बिरयानी की शान और भी बढ़ जाती। हालांकि बिरयानी के साथ बघारे करेले या बघारी भिंडी भी पका सकते, मगर सर के ऊपर ताज वाले बैगन की बात ही अलग है। बैगन एक ऐसी बात है, सिर्फ आप वैसे ये तरकारी का नाम है, कोई खास लोगों के लिए कोई खास बात नहीं, लेकिन दखनी और हैदराबादी लोगों के लिए गैर मामूली बात है। क्या यार वो आप पूरा बैगन में मिला दिए, और आप सुने होंगे, अरे चलो यार वो आते तो आने तो बैगन सती, क्या तुम ही छे क्या, आप करते करते क्या बैगन करते यार हो तुम, तो इसमें फोर्स पैदा होता है, एक्चुअली एक वर्ड में मीनिंग है उसके और असर होने वाला है। इसी वजह से हैदराबाद की बोली में जो है अब जी हाँ नहीं हाओ खत्म। हैदराबाद यहाँ बैगन खाते, बैगन बोलते, यहाँ तक के बैगन पहनते, वो कैसा खुद ही देख लियो। बोलचाल में, तकरीरों में, यहाँ तक के दखनी शायरी में भी बैगन अपनी जगह बना लिया। दखनी शायर गौस खामखा अपनी गजल की रदीफिच बैगन सती रख दिए। अमन का खातिल है जो मर जाए तो बैगन सती, लग को खैदस जान से भी जाए तो बैगन सती, सड़ को मर जाए उन्हें या मर को सड़ जाए उन्हें, जीते जी दरगोर भी हो जाए तो बैगन सती, ना तो वहां मेरा खफस है और ना मेरा आशियां, अब चमन को बर्फ भी गिर जाए तो बैगन सती, इतने खूबसूरत है उन्हों के दिन में उनको देख को चांद भी शर्मा रहा है, कहते शर्माए तो ऐसी बैगन सती, क्या समझ रहे मैं हसीनों का कोई ठेका लियो, उनका दिल मेरे को आ रहा है तो बैगन सती, दोस्तों को खाना खाने आओ मैं बोला तो हूँ, आए तो उनका भला, नहीं आए तो बैगन सती, ये भी बोलो थोड़े चावल रोटियां भी साथ लाओ, लाए तो अच्छा ही छे, नहीं लाए तो बैगन सती, ला को एक बैगन की डिश रख दूंगा उनके सामने। शेर सुनिए भाई, अरे मालूम है तुमको, गए थे क्या वही दावत में, अरे हल्लक में से निवाला छीन लिए बैगन का,
लाखों एक बैगन की डिश रख दूंगा उनके सामने, खाए तो बैगन सती, नहीं खाए तो बैगन सती। सब सब समझ जाएंगे समझ को, शायरी कर रहा हूं मियां, सब समझ जाएंगे समझ को, शायरी कर रहा हूं मियां, घर किसी को नहीं समझ में आए तो बैगन सती। खामखा आने को उनको ख्वाब में बोला तो हूँ, आ गए तो देखता हूँ, नहीं आए तो बैगन सती। हैदराबाद के लोगों को फखर है, उर्दू की तरक्की दक्कन से शुरू हुई थी। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कुली कुतुब शाह हो या उर्दू का पहला चैनल ईटीवी उर्दू, दोनों का भी ताल्लुक हैदराबाद से है। उर्दू की शुरू से आखिर तक खिदमत करने वाले हैदराबादियाँ अपनी बोली पे शर्मिंदा नहीं है, बल्कि उनको नाज है अपनी जबान पे। नहीं, बैगन क्या है, मतलब कॉमन वर्ड है जो क्या हुआ, कैसे हुआ, तो बैगन कई हुआ ऐसा, तो कोई बुरी बात नहीं है उसमें बैगन बोलने की। सोचने वाले गलत सोचते कि बैगन बोलते हो कुछ और समझते, मगर हैदराबाद में बैगन बोलते हो बहुत कॉमन चीज़ है, तो एक नॉर्मल सिंपल वर्ड जिसको बोलते हैं हम लोग बैगन। बस लोग बोल रहे हैं कि ये अच्छा नहीं दिखता, तो आप क्या समझ रहे हैं कि ये हैदराबादियाँ दूसरों के कहने पे ये अल्फाज निकाल दें अपनी ज़बान से? बिल्कुल नहीं सर, ज़बान अपनी देखिए, जो बात नेचुरल जैसे आपका मदर टंग है वैसी ये भी। चुनाचे ग़ुलाम अली साहब मियाँ दखनी ज़बान के मशहूर शायर बहुत गु़स्से में आते थे जब कभी कोई दखनी के ख़िलाफ़ बोलता। देखिए ये ओरिजिनलिटी है, अब आप जो कुछ बोल रहे हैं वो बनावट है, वो सच्चाई भी नहीं है। आप किसी भी आदमी की जो मादरी ज़बान है, जो उसकी मादर जो ओरिजिनल जो उसकी लैंग्वेज है, ये दरअसल बोलचाल की ज़बान है। आप शर्मिंदा खत्तन होने की ज़रूरत ही नहीं है। आप देखें हैदराबादी बैगन में कितनी ताकत है, इस वास्ते बैगन इस्तेमाल करने पे कोई किरकिरी करा तो हैदराबादी बोलता बैगन में मिला दूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।